करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे को दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ 765 डिग्रीज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एंगल जो दिया गया है वो डिग्रीज के अंदर दिया गया है, तो इसकी हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पे जो एंगल दिया गया है 765 डिग्रीज वो नोन एंगल नहीं है जिसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम जानते हों, ठीक है। तो हम जानते हैं वैल्यू किसकी, 0, 45, 90, इस तरीके की वैल्यूज़ को हम जानते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या, हमारे पास 6 क्वेश्चन है। साइन ऑफ 765 डिग्रीज, एंगल यहाँ पे डिग्रीज के अंदर भी हो सकता है, रेडियंस के अंदर भी हो सकता है, और हमारे को यहाँ पे देखना ये है कि हमारे को दिया किसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है डिग्रीज के अंदर साइन ऑफ 765 डिग्रीज। ये अननोन एंगल है हमारे लिए और ना ही ये कोई नोन एंगल के अंदर हमारे को मिल रहा है। हमारे पास नोन एंगल कौन से होते हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री के ऊपर, 30 के ऊपर, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर, 90, 182, 73, 60, इस तरीके की वैल्यूज़ को तो हम जानते हैं। बट अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी एलाइड एंगल्स, ALLID, एलाइड एंगल्स, नाम के अंदर कुछ नहीं रखा है। बट इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि जो इस तरीके की फॉर्म के अंदर होंगे, एन पाई प्लस में थीटा, एन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे n क्या होता था, ऑड इंटीजर, इसके अंदर ऑड इंटीजर है, क्या है यहाँ पे, ऑड इंटीजर। यानी कि जब भी एंगल 360 डिग्री से ऊपर जाएगा वो किसी ना किसी एलाइड एंगल के साथ समेशन फॉर्म के अंदर जरूर, इस फॉर्म के अंदर जरूर बन जाएगा वो, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे थीटा नोन फॉर्म के अंदर आ जाए या फिर हो सकता है थीटा अननोन के अंदर आए, ठीक है। तो अभी तक हम जो जनरली क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर थीटा नोन ही रहेगा, ठीक है, जिनकी हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, यानी कि 0, 30, 45, 60, इस तरीके की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हम 765 डिग्री को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम 765 डिग्रीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास, हमने क्या पढ़ा, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, फिर इनिशियल साइड है जो एंगल सबटेंड कर रही है, ये इनिशियल साइड है। अगर ये वाली साइड रोटेट करते हुए वापस यहाँ पे आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर ये वापस यहाँ से घूमने के बाद वापस यहाँ पे आ जाए, दो बार घूम के चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आए, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बनेगा, बताओ, ये बन जाएगा 360 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 720 डिग्रीज। कितने डिग्री बनेगा, 720 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा अगर दो बार रोटेशन लेके वापस यहाँ पे आती है, ठीक है। तो हम इसको एलाइड फॉर्म के अंदर लिखने वाले हैं इस एंगल को, कैसे, देखो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 360, देखो हम इसको क्या एन इंटू में 360 डिग्री और प्लस या फिर माइनस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 इंटू में 360 डिग्री अगर हम करेंगे तो क्या ये 720 डिग्री बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, सॉरी 720 डिग्री बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 720 डिग्री, 2 इंटू में 360 इक्वल टू 720 डिग्री। और बाकी रिमेनिंग एंगल कितना रह गया है हमारे पास, 720 डिग्री के बाद 65 तक पहुंचने के लिए हमारे को कितने डिग्री एंगल आगे जाना पड़ेगा, 45 डिग्री। कितने डिग्री एंगल आगे जाना पड़ेगा, 45 डिग्रीज। तो क्या ये एलाइड फॉर्म के अंदर बन गया है, देखो वैसे ही बन गया है क्या ये, एन इंटू में 360 डिग्री प्लस माइनस में थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, नॉन फॉर्म के अंदर है, 45, 60, 30 इस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको एलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखने वाले हैं। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो क्या हम 765 डिग्रीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब हम साइन 765 डिग्रीज को साइन ऑफ 2 इंटू में 360 डिग्री प्लस में 45 डिग्रीज की फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 इंटू में 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 720 डिग्रीज, कितना हो जाएगा 720 डिग्रीज। और हम जानते हैं यहाँ पे हमने एलाइड एंगल्स के कन्वर्जन फॉर्मूले पढ़े थे, क्या ये साइन एंगल है तो ये साइन ही रहेगा, साइन रिमेन साइन, यानी कि एन पाई के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, एन पाई ही रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके की फॉर्म है तो साइन किसके अंदर रहेगा, साइन साइन के अंदर ही रहेगा, और थीटा थीटा के अंदर ही रहेगा, किसके अंदर, साइन 45 डिग्री के अंदर रहेगा। अगर हम साइन की बात करें, साइन की बात करें तो ये टोटल एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बताओ। देखो ये दो रिवॉल्यूशन के बाद, एक और ये दो, यहाँ पे पहुँचने के बाद कितने डिग्री एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 720 डिग्री प्लस में 45, यानी कि हम यहाँ पे कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। अब हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, कितनी होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, 1/ में रूट 2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। ठीक है, 1/ में अंडर रूट 2, सो 765 डिग्री ऑफ साइन इज इक्वल टू 45 डिग्री ऑफ साइन इज इक्वल टू 1/ में रूट 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे को याद ही रखनी पड़ेंगी, कौन सी वाली, 0, 30, 45, 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चन करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बोला गया है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है कोजैक ऑफ माइनस 14, 10 डिग्रीज। सबसे पहले तो ये नेगेटिव, यहाँ से जो एंगल के अंदर नेगेटिव लगाया गया है उसको हटाना है। अभी तक हमने दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा होता है, ये दो हमने पढ़े हैं, बट हमने कोजैक के लिए तो पढ़ा ही नहीं, कोजैक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो इन्हीं से काम बन जाता है हमारा, साइन और कॉज से। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम सीधा भी याद रख सकते हैं कोजैक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, बट अभी इन्हीं साइन और कॉज से हम निकालने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो कोजैक किसका अपोजिट होता है, कोजैक होता है अपोजिट साइन का, तो क्या हम कोजैक को 1/ में साइन लिख सकते हैं, क्या पे 1/ में, अगर यहाँ पे कोजैक ऑफ माइनस थीटा दिया गया है तो क्या इसको 1/ में साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/ में माइनस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस ऊपर जाके 1/ में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ में साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोजैक थीटा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, कोजैक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोजैक थीटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं, साइन और कॉस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोजैक ऑफ 14, 10 डिग्रीज। अब हम इसको एलाइड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि या तो ये कुछ 90 डिग्री का मल्टीपल होगा या तो ये 360 डिग्री का मल्टीपल होगा, और समेशन के अंदर कुछ रिमेनिंग एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या देखो हमारा कहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, इसकी हम बात करते हैं देखो कैसे पहुँचेंगे। अगर हम बात करें कितने का मल्टीपल है, देखो 360 डिग्री का मल्टीपल की फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर 90 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा है तो ये 360 के मल्टीपल की फॉर्म में ही इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो 360 मल्टीप्लाई में 2 अभी तक हमने अभी क्या देखा, हमने 720 बन जाता है। ठीक है, कितना बन जाता है, 720 डिग्री बन जाता है, बट हमारे को जाना कहाँ पे, यहाँ तक जाना है। क्या 360 डिग्री इंटू में 3 करने के बाद आएगा ये, क्या नहीं आएगा, यहाँ तक हम पहुँचेंगे 1080, बट हमारे को और आगे जाना है। तो क्या ये 360 मल्टीप्लाई में 4 से पहुँचेगा यहाँ तक, इसके आसपास कहीं पे एंगल,
ये कुछ 1440 के तक पहुंच रहा है, डिग्री तक। तीन से बहुत पीछे रह जा रहा है, चार से आगे निकल जा रहा है, ठीक है। तो क्या हम एंगल को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या इसमें से? हाँ, हम इसको एंगल को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो तो अब हम कैसे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये कितना है, 1410 डिग्री। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोजेक ऑफ 364 इंटू में 360 डिग्री माइनस में, ये कितना आगे जा रहा है, देखो 10, 20, 30, 40 30 डिग्री आ गए हमारे पास। हम कितने डिग्री आ गए हैं, 30 डिग्री। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये जो एंगल बनेगा क्या ये 1410 ही बनेगा, 1410 ही एंगल बनेगा ये, ठीक है, डिग्रीज के अंदर, ठीक है। इसलिए हम ऐसे इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं, 360 के मल्टीपल की फॉर्म के अंदर एंगल का समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, क्यों 360 डिग्री के ऊपर चेंज होगा क्या कोसेक, 360 डिग्री के ऊपर कोसेक क्या चेंज होगा? देखो हमने क्या पढ़ा था, 360 डिग्री के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होता है, साइन रिमेन साइन, कॉज रिमेन कॉज एंड टेन रिमेन टेन। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो सेम यहाँ पे रहेगा ही, ये तो पहले का ही माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और कोसेक किसके अंदर ही रहेगा, कोसेक के अंदर ही रहेगा। और एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल थीटा का थीटा ही आ जाएगा, 30 डिग्री ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन की, यहाँ पे साइन ये तो पहले से ही लगा हुआ है नेगेटिव, अब हम साइन की बात करते हैं। ये कहाँ तक जा रहे हैं, 360 मल्टीप्लाई में 4, ये हमारे पास सर्कल है, ऐसे है। यहाँ से हमने चलना शुरू करा, एक रिवॉल्यूशन, फिर दो रिवॉल्यूशन, फिर तीन रिवॉल्यूशन, फिर चार रिवॉल्यूशन, हम वापस यहीं पे पहुँच गए, वापस यहाँ पे पहुँच गए हम फोर्थ रिवॉल्यूशन के बाद, माइनस में 30 डिग्री हमने किया हुआ है, ठीक है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं, हम कौन से एंगल लाई करेंगे, 4 × 360 डिग्री फोर्थ रिवॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। और माइनस में 30 डिग्री लिखा गया है, माइनस में 30 डिग्री, यानी कि हम आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और क्या फोर्थ के अंदर कोसेक क्या पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। देखो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉज पॉजिटिव। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, मगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो क्या लगेगा, कॉज का उल्टा सेक होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव लग जाएगा, माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोसेक ऑफ 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कोसेक ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, बताओ कोसेक ऑफ 30 डिग्री होता है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देते हैं। कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक होता है अपोजिट साइन का। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हमारे पास फाइनल आंसर।